बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिया जमात हफ्तम और उसका बाब दो, सबक नंबर 2.5 जो नमाज जनाजा और दीगर नमाजों के मुतालिक है, उसके लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज के जो हासिल तालुम है कि नमाज खुसूफ, कुसूफ, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, इस्तस्का, ये सारी नमाजें हम सबका लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद की नमाज के मुतालिक जानेंगे कि ये नमाज कब पढ़नी है और इसकी क्या फजीलत है, और सलाहियत ये होनी चाहिए तहियतुल मस्जिद और हाजात की नमाजों और इनकी फजीलत जानते हुए इन्हें पढ़ने का एहतमाम कर सकें, मुख्तलिफ इबादात करके अल्लाह ताला का कुर्ब और खुशनुदी हासिल कर सकें। तो ये हासिलात तालुम की सलाहियत है। अज़ीज़ तलबा, सरगर्मी यह है कि नमाज इस्तिस्का कब और कैसे पढ़ी जाती है, चाश्त की नमाज की क्या फजीलत है, ये दो सवाल जो आप सबका लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से कमरा जमात में साज़ा कराम तलबा से मालूम करें, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा, यकीनन आपने अच्छे अंदाज में इन सवाल के जवाब दिए होंगे। अब हम चलते हैं हासिलात तालुम की तफहीम की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे तहियतुल वुज़ू किसे कहते हैं और इसके अलावा तहियतुल मस्जिद की जो है वो आगाही हासिल करेंगे। सबसे पहले तहियतुल वुज़ू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस तरीके के मुताबिक वुज़ू करे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया है, फिर 2 रकत नमाज पढ़े और दौरान नमाज सोच विचार ना करे, तो उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सोच विचार से मुराद उसके ख्यालात, उसका जो इखलास तवज्जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वुजू और नमाज के लिए, वुजू के बाद 2 रकत नमाज पढ़ने वाला, जब भी उसने वुजू किया 2 रकत नमाज पढ़े, तो उसकी फजीलत ये कि उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये तहियतुल वुजू की फजीलत है। दूसरी हदीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि ऐ बिलाल, आप इस्लाम कबूल करने के बाद कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि मैं जब मेराज की रात जन्नत में गया तो मैंने आपके कदमों की आहट सुनी है, और जब मैंने आहट सुनी तो मैंने सवाल किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये आपका वो गुलाम है, वो बंदा है जिसको दुनिया में कोई कदर नहीं जिसकी करता, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला, और उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है, अल्लाह ताला ने उनकी कितनी कदर की है। तो नतीजतन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आप कौन सा अमल करते हैं, उन्होंने बताया या अल्लाह कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बड़ा अमल नहीं है, लेकिन छोटा सा अमल ये है कि मैं जब भी वजू करता हूँ साथ 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यही तेरा वो अमल है जो तू चलता ज़मीन पे है, लेकिन आपके कदमों की जो आहट है वो जन्नत में सुनाई देती है। तो यकीनन आज भी ये अमल हो सकता है और उसकी फजीलत मिल सकती है, तो इसलिए हमें हर वुज़ू के बाद जो है वो 2 रकत नमाज पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद तहियतुल मस्जिद क्या चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई भी मस्जिद में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि 2 रकत नमाज पढ़ने के बगैर ना बैठे। ये सही बुखारी सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है। अगर कोई बंदा मस्जिद में आया ना, तो इबादत की गर्ज से पहले वो वुज़ू करेगा, वुज़ू करके मस्जिद में 2 रकत नमाज ज़रूर पढ़ेगा। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, जो इमाम मस्जिद हैं, जाहिर सी बात है उनका घर घराना वो मस्जिद में ही है, तो वो नमाज के लिए आ रहे हैं, तो वो नमाज जो है वो अगर नमाज फ़र्ज़ का टाइम है तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना यही काफ़ी है, तहियतुल वुज़ू की तहियतुल मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने वज़ू किया और देखा जमात जो है वो खड़ी हुई है, नमाज़ पढ़ाई जा रही है, और वो बंदा पहले अपने 2 रकत नफल पढ़ ले और फ़र्ज़ उसके पीछे छोड़ दे, तो ये बेहतर नहीं है। जहाँ पर फ़र्ज़ एक साइड पर हों और दूसरी साइड पर नफल हों, तो हमें फ़र्ज़ों को इख्तियार करना है क्योंकि वो लाजमी है, वाजिब हैं, फ़र्ज़ हैं। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज जब हो रही हो फिर तहियतुल मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखें कि अभी नमाज होने में 15-20 मिनट पड़े हैं और मैं जाकर ऐसे ही बैठ जाऊं, ये मुनासिब नहीं है, 2 रकत नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह जो मस्जिद का जो खादिम होता है उसके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि मस्जिद का खादिम उसका आना जाना रहता है मस्जिद में, वो सफाई के लिए कभी मस्जिद के बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, और हर दफ़ा वो वज़ू करे और फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़े, तो उसके लिए दुश्वारी है। तो इसलिए मस्जिद में वो लोग जो घर से चलते हैं इबादत के लिए और जाते हैं और कोई फ़र्ज़ नमाज का टाइम नहीं है, तब अगर तो उन्होंने फ्री बैठ रहे हैं तब वो 2 रकत पढ़ेंगे, अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई जा रही है तो वो नमाज में शामिल होना उनके लिए लाजमी है। तो कोई भी बंदा जो है वो तहियतुल मस्जिद के बगैर ना बैठे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हदीस अलावा हमने 2 अहादीस पढ़ी हैं, 3 तहियतुल वुज़ू के मुतालिक और उसकी फजीलत,
और तहियतुल मस्जिद क्या है और किसको पढ़नी चाहिए, उसके जो आदाब हैं, उसकी जो शरायत हैं, वो हमने आज पढ़ी हैं। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर की रोशनी में अब आपके लिए एक सरगर्मी है कि तलबा को 5 ग्रुपों में तकसीम करें, क्लास में 5 ग्रुप बना लिए जाएँ, हर ग्रुप को एक मखसूस नमाज, या तो तहियतुल वुज़ू या तहियतुल मस्जिद, इसका आपने अमली मुजाहरा करना है। और मुअल्लिम जो टीचर हैं, उस्ताद हैं, वो हर ग्रुप को नमाज के दौरान सही क्याम, रुकू और सजदा और दुआ का तरीका, ये तमाम चीज़ें करता हुआ देखें और बच्चों की तसहीह करें कि बच्चे गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने ये अमली मश्क क्लास में भी करनी है और जब मस्जिद जाएँ तो वहाँ भी करनी है, और आपने नमाज पढ़ के जो है वो अपने आप को मज़ीद जो है वो अमाल में दुरुस्त करना है। तो मैं साझा कराम से गुजारिश करूँगा कि जल्दी से ये एक्टिविटी मुकम्मल करवाएं, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अजीज़ तलबा, यकीनन आपने अच्छे अंदाज में इस सरगर्मी को मुकम्मल किया होगा। अब आपके लिए घर का काम है कि तलबा मुख्तलिफ नमाज़ों यानी कि तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद की अमली मश्क करें घर जाकर, हर नमाज का वक्त रखतें तहरीर करें, हर नमाज के बाद अपने तजुर्बात और एहसास को नोटबुक में लिखें कि आज मैंने तहियतुल मस्जिद पढ़ी है, तो क्या मुझे कुछ दूसरी नमाज़ों के अलावा कुछ मेरी तबीयत में, कोई रूह में कोई सुकून मिला है, कोई मिजाज में फ़र्क आया या नहीं आया, तो यकीनन आपको जो है वो फ़र्क पता चलेगा। अपनी तहरीर को अगले दिन क्लास में मुअल्लिम को आपने दिखाना है कि मैंने फ़लां फ़लां नमाज से पहले जो है वो तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद, ये तमाम नवाफिल अदा किए, ताकि आप मज़ीद जो है वो अमल में आगे बढ़ सकें। अज़ीज़ तलबा, यादा ये है कि तहियतुल वुज़ू की तारीफ़ हमने पढ़ी है, उसकी फ़ज़ीलत पढ़ी है, तहियतुल वुज़ू की फ़ज़ीलत और अहमियत यानी कि तहियतुल मस्जिद के भी साथ हमने अहमियत पढ़ी है। तो इख्तिताम ये कि आज हमने तहियतुल मस्जिद की फ़ज़ीलत को जाना है, इंशाल्लाह कल हम नए सबक का आगाज़ करेंगे। तो लेक्चर के आखिर में आपके लिए लेसन प्लान और वर्कशीट है, आपने इसको डाउनलोड करना है और मज़ीद इस्तफादा करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।